नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के सर्किट हाउस में। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद राजमणि जी मौजूद है। यहाँ पर कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्या तैयारियां हैं आज हम ये जाने समझेंगे। लेकिन फिलहाल राजमणि जी से हमारा पहला सवाल, जिस तरीके से राज्यसभा में आपने मुद्दों को उठाया लेकिन आप पूरी तरीके से मुद्दों को नहीं उठा पाए, मुद्दों को नहीं भुना पाए, आखिर वजह क्या था? यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता के अहंकार में इतना डूब चुकी है कि वो संविधान को भूल गई है, कानून को भूल गई है, मर्यादा को भूल गई है, सारी सीमाओं को तोड़ करके मनमानी तरीके से काम कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष के लोग मिल करके केवल यही कह रहे थे कि जो देश के लिए जरूरी मुद्दे हैं, जैसे जासूसी का मुद्दा है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, आज हमारी सेना क्या कर रही है, हमारे सीमा पर क्या हो रहा है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर क्या हो रहा है, अगर ये चीज़ें टेप हो जाए, लीक आउट हो जाए, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम यही मांग कर रहे थे, हम लोग किस मुद्दे पर, इन मुद्दों पर चर्चा कराइए सदन, लेकिन सरकार इन राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर, इस देश के आम गरीब के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती और मनमानी तरीके से बिल पास कराना चाहती है। इसका हम लोगों ने सदन में विरोध किया और विरोध के पराकाष्ठा हो गई। हम लोगों ने मुद्दा उठाना चाहा, मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि हमारा संविधान, सांसदों का ये हक अधिकार है सवाल पूछना, प्रश्न खड़ा करना, जानकारी लेना, अपनी बात कहना सदन में उनका अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को का हनन भारतीय जनता पार्टी ने किया, कुछ सुना नहीं। और सदन के अंदर हमने जब मांग किया कि वोटिंग कराइए, वोटिंग करने का अधिकार नहीं, नो वोटिंग, और उसके बाद जब सदन में, सदन आर्डर में नहीं रहता, विपक्ष का एक भी सदस्य जब सदन में नहीं रहता, ऐसे समय में उनके सबकी गैरहाजिरी में सरकार बिल पास करा रही है जो वास्तव में अवैधानिक है, असंवैधानिक है। जब ये कृत सरकार करने लगे तो फिर विपक्ष क्या करे, ये सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। विपक्ष की मजबूरी थी, विपक्ष ने मुद्दों को गंभीरता से उठाया था, राष्ट्रीय हित के जुड़े हुए मुद्दे थे, लेकिन यह सरकार, केंद्र की यह सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने कुछ ऐसा ही किया, एक बार भी किसी भी मुद्दे पर वोटिंग नहीं हुई, सीधे सीधे मनमानी तरीके से बिल पास कराने की कोशिश की। ये तो हुई केंद्र की। जिस तरीके से महंगाई को लेकर रीवा में, या यूं कहें देश प्रदेश में, कांग्रेस सड़कों में दिखाई दे रही है, आज यहाँ पर सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर किस तरीके की रूपरेखा बनाई जा रही, आगामी क्या है योजनाएं, जरा इस पर भी प्रकाश डाल। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे, महंगाई का मुद्दा है, आप सब जानते हैं, सुनिए, दुनिया देख रही है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, ये निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। आज इससे गरीबों की कमर टूट रही है, किसानों की कमर टूट रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए कि कांग्रेस के जमाने में अगर 50 पैसे कहीं डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो ये कहते थे कि देश बर्बाद हो गया है, महंगाई डाइंड है, और इस साइकिल में बैठ करके, बैलगाड़ी में बैठ करके सदन की बैठकों में जाने का नाटक करते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वही महंगाई डाइन, 50 पैसे बढ़ने पर तो महंगाई डाइन थी, और आज जब माने 100 रुपये पार कर गई है, वो महंगाई आपकी डार्लिंग हो गई क्या, उससे आपकी दोस्ती हो गई क्या? तो इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी करती है। पिछड़ों का आरक्षण कभी दिया नहीं, नाम नहीं लिया, पिछड़े पिछड़े कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ा, इस देश के गरीबों के लिए उनको आरक्षण मिले इसकी लड़ाई कांग्रेस ने लड़ा, पंचायतों से लेकर के जिला पंचायतों में भागीदारी हमारी महिलाओं की हो, इसकी लड़ाई कांग्रेस ने लड़ा, कांग्रेस ने इसको लागू किया। तो आरक्षण की जहाँ तक महती भूमिका है, कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई योगदान नहीं है। अब केवल श्रेय लेने का नाटक कर रही है और गलत आंकड़े दे करके समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, देश जासूसी का मुद्दा है, किसानों का बिल है, आज किसानों की जमीन बेचने का खड़े किया जा रहा है,
एक तरफ जनता को धोखा दे रहे कि हमारा गोडाउन भी रहेगा, एमएसपी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, और दूसरी जनता किसान पूछता है कि एमएसपी रहेगी तो कानून बना दो भाई, गारंटी हो जाए कि भाई इससे कम में कोई नहीं खरीदेगा। वो गारंटी बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अब आपकी कह रहे हैं बस सब दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं समाज को गुमराह करने का, उन तमाम मुद्दों को लेकर के 5 अक्टूबर को एक बहुत विशाल प्रदर्शन रीवा में किया जा रहा है, जिसमें किसान, मजदूर, पिछड़े सभी लोग शामिल होंगे और ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी है, तो उसका अंतर खोल करके जनता को बताएंगे किनका चरित्र ये है, और उसके बाद जो जनता की जो राय होगी उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी आगे काम करेगी। 5 अक्टूबर एक व्यापक जन आंदोलन के साथ कांग्रेस रीवा की सड़कों में दिखाई देगी, उसकी शुरुआत रीवा से की जाएगी। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने या प्रदेश की शिवराज सरकार ने तमाम तरीके के मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए केवल वही बात करते हैं जिनका जनता पर कोई भी किसी तरीके का प्रभाव नहीं होता, जनता लगातार परेशान है। हम चाहते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सड़क में उतरें, जिससे जनता का भला। हमारी नज़र इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। 5 अक्टूबर को अब देखना है किस तरीके से यह आंदोलन सड़कों में दिखाई देगा। निश्चित रूप से मेरा एक अंतिम और छोटा सा सवाल ये है, प्रदेश में निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव, इन चुनावों को आप किस नज़र से देखते हो और इसको आप क्या आपको लगता है कि ये आपके फेवर में रहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मूल्यों की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी ने वोट के लिए नहीं बल्कि समाज को जोड़ने के लिए, गरीबों के सरकार की लड़ाई करने के लिए कांग्रेस ने कदम उठाया है, कांग्रेस ने काम किया है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि जब भी चुनाव आता है तब कोई न कोई संगठन छोड़ करके, कोई न कोई गलत नारे दे करके, कोई न कोई लिखावटी नारे लगा करके और जनता को मूल भावना से भटका करके, उसको कहीं राम के नाम पर, कहीं राह रहीम के नाम पर, कहीं गंगा के नाम पर, कहीं गौ माता के नाम पर, माने किसी न किसी तरीके से धर्मांधता के अंधकार में जनता को भटका करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। और अब चुनाव आने वाला, इसी वजह से तमाम में जो आरक्षण का नाटक हो रहा कि हमने करवा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जबकि आरक्षण के उसमें कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी का नहीं। राम रहीम गंगा पाकिस्तान, ये अब नहीं चलने वाला, अब केवल विकास की बात होगी, जनता से जुड़े हुए हितों की बात होगी। निश्चित रूप से अगर कुछ इसी तरीके के मुद्दे लेकर कांग्रेस अगर सड़कों में दिखाई दी तो उसका असर आगे आने वाले वक्त में, या यूं कहें आगे आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ेगा।